नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में एक विशेष श्रृंखला है जिसमें हम आज के सवाल को लेकर अपने प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच जाते हैं और चुनिंदा जो विचारक हैं, विद्वान हैं, उन सवालों को सामने रखते हुए उन विचारकों की जो भी अपनी सोच है, जो वो विचार रखते हैं, वो हम साझा करने का प्रयास करते हैं। और जी, अभी तक स्थिति यह है कि हमें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो आज का सवाल यह है कि हमारे देश में चुनाव का माहौल है और प्रजातंत्र है, ये बहुत अच्छी स्थिति है विश्व लेवल पर, लेकिन प्रजातंत्र तो आ गया संवैधानिक रूप से, लेकिन उस प्रजातंत्र को जिंदा रखने वाला जो मतदाता है वो कितना विवेकशील बन सका है, खास तौर से मतदान के समय, क्योंकि अगर वो विवेकशील नहीं होता है तो अब तक ऐसा देखा गया है कि वह बाद में कहता है कि मैं ठगा गया, पश्चाताप करता है कि मैं किसी बुलावे में आ गया। तो एक ऐसा प्रश्न है जिसको बारे में सोचा और समझा जाना चाहिए। तो आज हमारे बीच में है राजकुमार जी जैन साहब, आप बूंदी से हैं और सहायक जनरल मैनेजर के पद से BSNL से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी तीन पीढ़ियां महात्मा गांधी के दर्शन से, उनके विचारों से, उनकी जीवन शैली से पूरी तरह एकाग्र हो चुकी हैं। और अध्ययन का तो ये स्थिति है कि वो अपने आप में एक हस्ताक्षर है राजस्थान से, जो समझते भी हैं और बताते भी हैं, और उनके जो व्याख्यान है वो भी सुने और समझे जा सकते हैं। तो आज जैन साहब जो हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करें, जिससे सभी लाभान्वित हों कि डेमोक्रेसी में अपना जो मतदाता है उसकी विवेकशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बिल्कुल सर, आज आपने लोकतंत्र के बाबत जो प्रश्न अपने मन में आया है जी, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले तो गांधी जी और जिनको वो फॉलो करते थे, इमर्सन, जो एक अमेरिका के बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, उनका ऐसा मानना था कि हमारी जो सरकारें हैं वो चुनाव के नाम पर, मतलब लोकतंत्र प्योर हो वो तो बहुत अच्छी बात है, और वर्तमान में अगर हम पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें तो लोकतंत्र के नाम पर चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से चुनाव हो रहा है कि जनता के लिए, जनता से और जनता के द्वारा, इसे इसमें हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि भारत के ही राजनीतिज्ञ हों, और भी बहुत से देशों के चुनाव देखे हैं और उन चुनावों में हमारे जो राजनेता हैं वो किस तरह से हमारे जो जन पब्लिक होती है, जन साधारण होते हैं, उनको किस तरह से भ्रमित करते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में AI पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी संस्था ने दायर किया था, और उनका मकसद था कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव में
खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद न करता हो और फिर भी अपने मतदान का उपयोग करना चाहे तो उसके पास क्या अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें विस्तृत अध्ययन करते हुए ऐसा निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव में खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति को नापसंद करता हो तो उसके लिए उन्होंने नोटा NOTA नन ऑफ द अबव का प्रोविजन इलेक्शन प्रणाली में किया। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार से यह अनुरोध किया अपने जजमेंट में कि आप इसका अधिक से अधिक प्रचार करेंगे। ठीक है, परंतु आपने भी देखा, मैंने भी देखा, 2005 के बाद 2-3 चुनाव भी हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज इस बाबत बोलती भी नहीं है, बल्कि नोटा के लिए भी वो भ्रमित करती है। नोटा में कुछ इस तरह के प्रोविजन थे, यदि मैं मेरे लिए कहूं कि न मैं अपराध करना चाहता और न ही जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसके समर्थन में कोई बात कहूं, तो अगर वोट देने में, वोट देना भी अप्रत्यक्ष रूप से उसके अपराधी प्रवृत्तियों में समर्थन करना ही, तो जैन दर्शन और विश्व के सभी दर्शन इस बात को कहते हैं कि मैं अपराध करूं या जो अपराध कर रहा है उसके अनुमोदन में, उसके समर्थन में, लोकतंत्र में ऐसा कहा जाता है कि डिफेंस जो सर्विसेज है उनकी महती आवश्यकता है। आप मेरे पॉइंट को पकड़ने का प्रयास करना और मैं श्रोताओं से भी चाहूंगा कि वो इस पर लोकतंत्र से इसे जोड़ने की कोशिश करें कि सभी देश अपने अपने जो सेनाएं हैं उन्हें डिफेंस का नाम देती है। जब ये प्रश्न किसी ने किया कि आप भारत में क्यों इन सेनाओं को रखते हैं, तो उनका जवाब होता है कि पाकिस्तान से, चाइना से, श्रीलंका से कभी भी आक्रमण हो सकता है, इसलिए हम हमारे डिफेंस में इस तरह की सेनाओं को रखना आवश्यक है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में अगर वहां की जनता वहां के शासक से पूछे तो वो भी यही जवाब देते हैं। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय यहाँ पे यह है कि विश्व की सभी देश जहां जहां भी डिफेंस सर्विसेज हैं, और सभी देशों में, अकेले ये जो स्विट्जरलैंड वगैरह है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर की ये डिफेंस सर्विसेज न के बराबर है डिफेंस बजट वहां का। तो इस बाबत टॉल्स्टॉय ने, जो हमने जो अपने रशियन राइटर हुए हैं, और अमेरिका ये आइंस्टीन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इस बाबत ये लिखा है कि हमारी जो सरकारें हैं ये उसी देश के नागरिकों, मतलब जो राजा है वो अपनी ही प्रजा को भ्रमित करने के लिए। अब ये थोड़ा सा अनुचित सा प्रतीत होता होगा, पर वो राजा वर्तमान में वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, रशिया हो, कोई भी हो, ये सब अपनी अपनी जनता को भ्रमित कर कर सत्ता में बना रहना चाहते। लोकतंत्र के नाम पर पब्लिक को ऐसे ऐसे, अभी अपने यहाँ चुनाव होने वाले हैं, ऐसे ऐसी बातें कही जाएगी, वोट देना आपका अधिकार है, वोट देना धर्म कार्य है, और भी ऐसे ऐसे स्लोगन देकर देश की जनता को भ्रमित किया जाएगा, और वही जनता फिर लाइन में लगकर अपने समस्त कार्यों को छोड़कर, अपनी आजीविका के साधनों को, उस समय जो कार्य करना है उनको छोड़कर, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर इन भ्रष्ट नेताओं को वोट देंगे। ये कह रहा था कि अभी अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे एक मित्र हैं जयपुर में, मानसरोवर में रहते हैं, उनके बेटे का प्लेसमेंट हुआ हैदराबाद में, और वो बहुत खुशी खुशी उन्होंने अपने बेटे के लिए एयरपोर्ट से टिकट आदि की व्यवस्था की, पर जिस दिन उसको हैदराबाद जाना था, मैं कहूंगा दुर्भाग्य से, उसी दिन हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनको जयपुर आना था, और कलराज मिश्र जी
जो हमारे राज्यपाल हैं वो उनको लेने गए। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि वो अपने लड़के को उस दिन एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं जा पाए। तो अगर लोकतंत्र में लाइन में लगकर मुझे ऐसे नेताओं का चुनाव करना हो तो क्या ये उचित लगता है क्या? हो सकता है नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी हो, परंतु इस तरह से आम पब्लिक को परेशान करना क्या लोकतंत्र पर कुठाराघात नहीं है? इसी तरह की एक बात 1916 में, फरवरी 1916, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनका जो कन्वोकेशन हुआ था तो उसमें गांधी जी को भी आमंत्रित किया था। तब हम आजाद देश नहीं थे। गांधी जी 3 दिन तक वहां रहे। तीसरे दिन जब उनको बोलने को कहा गया तो उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले क्या कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि वायस राय जो परसों के दिन आए थे उनकी सुरक्षा व्यवस्था में पूरा जो एरिया था उसको चाक चौबंद कर दिया, घरों के छतों पर चारों तरफ स्टैंड मशीन गंदारी खड़े थे। और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने तो अपने उद्बोधन में यहां तक कह दिया था कि इस तरह की जिंदगी जीने से अच्छा हो कि वायस राय मृत्यु को स्वीकार करें। आप सोचें कि आज के भारत में तो हम किसको कहें ये बात, और कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? परंतु महात्मा गांधी ने उस समय ये कहा वहां उस जो वायस राय थे उनके लिए कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था में जीना, जहां एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आप लाखों व्यक्तियों को परेशान कर दें तो क्या अच्छा ना होगा कि उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए? ऐसा गांधी जी का व्यूज था। और लगभग लगभग आज मैं भी इसी मान्यता को मानता हूं कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। आपसे वार्ता का मूल उद्देश्य यही है कि आपने गांधी के विचारों को समझा है, उनके दर्शन को, उनकी जीवन शैली को। तो ये जो आज जो स्थिति है मतदाता के सामने, हम उसे विवेकशील होना या विवेकशील ना होने की बात सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक गांधी विचारक क्या कहना चाहेगा? तो मूल बात यह है कि आप इस प्रश्न पर गांधी दर्शन को, गांधी वैचारिकता को साथ लेते हुए ही अपनी बात पूरी करें। मान्यवर, दो या तीन तरह के मतदाता होते हैं। जी एक मतदाता वो होता है जो चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति से सीधे संपर्क में होता है और उस नेता से उसके कुछ स्वार्थ भी जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसे मतदाता को तो मैं विवेकशील मतदाता कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके तो स्वार्थ बीच में है तो उसका विवेक लगभग शून्य हो जाएगा। दूसरी तरह के मतदाता है जो आज के हमारे युवा जनरेशन के हैं। अगर आप देखेंगे तो इनका प्रतिशत, क्योंकि ये अपने काम में व्यस्त हैं, नेताओं की किसी भी बात से सहमत नहीं है। वो जब उनके आचार विचार आचरण को देखते हैं उनसे भी वो सहमत नहीं होते हैं इसलिए, परंतु वो कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करते और अपने काम में व्यस्त रहते हैं। एक वो मतदाता। एक हमारे यहाँ पे ऐसी क्लास भी है जिसे आजीविका का पूरा साधन नहीं होता है, तो चुनाव के टाइम पर हमारे जो राजनेता हैं उन्हें प्रलोभन देकर, प्रलोभन उसी दिन भी दिया जा सकता है या जैसे हमारी सरकार है ये जो प्रलोभन देती है कि बिजली का बिल कम कर दिया, किसी जाति विशेष को आरक्षण दे दिया, ये इस तरह की जो चीजें करते हैं, तो वो गरीब व्यक्ति, यहां भी मैं कहूंगा कि उनका भी विवेक शून्य है। वो भी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के कारण राजनेताओं में से जो होते तो भ्रष्ट हैं पर किसी न किसी एक को चुन लेते हैं। और
इन तीनों ही चीजों के बढ़ावा देने में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कोई कसर नहीं छोड़ती है। इतना अधिक से अधिक वो वोटर को या पब्लिक को दिग्भ्रमित कर सकती है, उसका पूरा प्रयास करती है। उनको भ्रमित करने में थोड़ी सी कमी नहीं छोड़ती। और हमारे जो साधारण हैं व्यक्ति बेचारे, वो भ्रमित हो जाते। अब रहा सवाल गांधी जी के पर्सपेक्टिव से, अगर मैं इसको कहूं तो गांधी जी आज की इस पॉलिटिकल अगर व्यवस्था में होते तो वो क्या करते? किसी भी जगह पे अगर वो आज बूंदी में होते और यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा होता तो वो क्या करते? तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, गांधीयन फिलोसॉफी को पढ़ने के बाद ये कह सकता हूं कि निश्चित ही वो चुनाव का बहिष्कार करते, निश्चित रूप से। क्यों? गांधी जी का ऐसा मानना था कि न मैं अपराध करूंगा और न किसी अपराधी को, क्योंकि वो बिल्कुल दिख रहा है ये कि आज भी अगर हम 543 सांसदों का बैकग्राउंड देखें, तीन में से हर सांसद करोड़पति है और लगभग 200 से 250 के बीच में इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज हैं। आज मैं मेरी पूरी लाइफ में क्लास 1 ऑफिसर रहा शुरू से, परंतु आज भी मैं 1 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं कर पाया। परिवार से भी समृद्ध था, माता पिता की दृष्टि से भी, खुद भी ऑफिसर रहा, पर 1 करोड़ रुपए भी आज मैं इकट्ठे नहीं कर पाए, तो फिर नेताओं के पास कहां से आ जाते हैं? तो मेरा अभिप्राय यहाँ किसी की ये अभी करना नहीं है, गांधीयन फिलोसॉफी के नजरिए से अगर इसको देखें तो गांधी जी के संज्ञान में जब ये बात आती तो निश्चित ही वो इनका सहयोग नहीं करते। क्योंकि उदाहरण के रूप में मैं बताऊं आपको, 1938-39 में जब कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हुए तो उस समय सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते थे और गांधी जी ने, जो उनके प्रत्याशी थे नरेंद्र देव, वो चुनाव हार गए थे। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद 4 या 5 महीने बाद जब सुभाष चंद्र बोस उनके पास आए, गांधी जी के पास, कि गांधी जी मुझे सहयोग दें आप, सुभाष चंद्र बोस चरित्रवान व्यक्ति थे, कहीं कोई चारित्रिक दृष्टि से उनमें दोष नहीं था, परंतु गांधी जी और उनमें एक मतभेद ये था कि सुभाष चंद्र बोस ऐसा मानते थे कि हिंसा के द्वारा ही अंग्रेजों को यहां से भगाया जा सकता है। गांधी जी की मान्यता ये थी कि नहीं, अहिंसा के आधार पे ही इनको यहां से जाना होगा, क्योंकि अगर हिंसा के माध्यम से ऐसा अगर जनता में जाएगा ये मैसेज कि हाँ हिंसा के द्वारा ये अंग्रेजों ने देश को छोड़ा, तो इसका मतलब ये होगा कि बाद में भी जब कभी किसी भी तरह की हमारे देश को चलाने में कोई समस्या आएगी तो हम हिंसा या हिंसात्मक तरीकों का ही अपनाएंगे। तो यहां मैं कहना ये चाह रहा था कि जैसे सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण देने के पीछे मेरा मकसद ये था कि सुभाष चंद्र बोस से वो सहमत नहीं थे, तो उन्होंने उनको क्या कहा कि आप कांग्रेस में जो भी कार्य करेंगे हिंसात्मक, मतलब हिंसा को बढ़ावा देने से संबंधित, उसमें मैं आपको किसी भी तरह का सहयोग नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने ये कहा कि अगर आज गांधी जी होते तो चूंकि उनको ये पसंद नहीं आते तो वो इनको सहयोग नहीं करते, मतलब वो वोट देने भी नहीं जाते। ये प्रश्न भी श्रोताओं के मन में आ सकता है कि यदि ऐसे सभी वोट देने नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि अभी भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 30% वोट लेकर ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, तो लोकतंत्र की दुहाई देके ये कहते हैं कि वोट देना हमारा अधिकार है, गरीबों को प्रभावित किया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 10 से 15 या 20 सालों में जो ये मैं आपको कह रहा हूं अभी कि 10% पे आ जाएगा, ये पक्का मान के चले हम।
और उसी के बाद हमारा विकास शुरू होगा। और ये लोकतंत्र के कहीं खिलाफ नहीं है, ये लोकतंत्र की मूल भावना में माना जाएगा। तो क्या आप ऐसा कोई और सुझाव देंगे जिसमें अपन मतदाता को इस लिटरेसी की तरफ अवेयर कर सके? हाँ बिल्कुल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो PLI हुआ था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें 8 पेज का डिसीजन दिया था सर। उस 8 पेज में इन्हीं सब बातों को लिखा गया है कि देश की हर नागरिक को, मतलब हर जो वोटर है उस तक आप ये मैसेज पहुंचाएंगे और इफेक्टिवली उसको ये समझाने का प्रयास करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देशित किया था और भारत सरकार को, और प्रबुद्ध नागरिकों को भी उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उनसे ये अपेक्षा की थी कि सरकारें ये पब्लिक तक इस बात को पहुंचाएगी, परंतु परिणाम हमारे सामने है। उन्होंने क्रिश्चियन वो हुए हैं संत, उन्होंने ये बात कही थी, यदि मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता और जो कोई गलत काम कर रहा है उसका भी मैं समर्थन न करना चाहूंगा तो मेरी स्वतंत्रता क्या है। तो धर्म धर्म जगत भी ये कहता है कि हाँ आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जब धर्म जगत ये कहता है तो हमारी सरकारों को भी ये कहना चाहिए ना कि हाँ आप भी पूर्ण स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता का दूसरा नाम ही तो लोकतंत्र है साहब, लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? स्वतंत्रता। तो ऐसी स्वतंत्रता इन्होंने एक तरह से अपने को जकड़ रखा है। अगर बिजली का बिल 1,000 रुपए कम किया जाता है तो ये मेरी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो मेरे को प्रभावित कर रहे हैं ना, मेरे विवेक को शून्य कर रहे हैं एक तरह से। आरक्षण के नाम पे जातियों को अपन आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, एक्चुअल में वो पब्लिक के जो विवेक है उसको शून्य कर रहे हैं वहां पे कि तू सोचे मत, सिर्फ दाल रोटी खा और काम चलाते रहो। यहाँ पे अच्छा, अभी मैंने अमेरिका के चुनाव को भी वहां पे थोड़ा पढ़ा था, जो पिछला चुनाव हुआ वहां पे भी इसी तरह की गतिविधियां होने लग गई। इसका मतलब ये है कि ये जो जहर है लोकतंत्र में, लोकतंत्र तो बहुत अच्छी चीज है पर उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो जहर घोलने का काम कर रही है ना, तो ये जो फ्री बीज देना ये क्या है? विवेक को खत्म करना है उसके। एक जो उदाहरण शायद मैंने पिछली बार भी दिया था उसको भी अगर अपन समझे दूसरे वे में है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम डाला था तब आइंस्टीन अलेक्जेंडर जिसने एटम बम की और इसकी खोज की थी, तो वो तो चूंकि एक्सपायर हो गए थे, तो आइंस्टीन का जो इनकी वैज्ञानिक संस्था थी उसका उस समय अमेरिका की सरकार जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनसे ये एग्रीमेंट था कि आप इस एटॉमिक पावर को सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए काम में लेंगे, डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए नहीं लेंगे। ऐसा वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ वहां की पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो वहां की रूलिंग पार्टी थी उस समय, रूजवेल्ट वहां का राष्ट्रपति था, उनके साथ ऐसा एग्रीमेंट था। 1948 में क्या किया वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने? हिरोशिमा पे बम डाला, एटम बम, और तहस नहस कर दिया। आइंस्टीन बहुत परेशान हुआ, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जानती, पॉलिटिकल नेता नहीं जानते कि इसका कितना विध्वंसक प्रभाव होगा आने वाले कितने ही सालों तक, शताब्दियों तक वो जमीन रहने लायक नहीं रहेगी। और मजे की बात है कि 3 दिन बाद नागासाकी में फिर बम डाला, तो बताते हैं कि आइंस्टीन ने 3 या 4 दिन तक खाना नहीं खाया। और उसके बाद रूजवेल्ट से बात कर ये कहा कि आपका और हमारा जो संबंध था अब मैं उसे आज तोड़ता हूं, अब हम विज्ञान का और वैज्ञानिकों का आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा, आपने हमारे साथ कुठाराघात किया है। और उसके बाद आइंस्टीन ने ये कहा कि मैं विज्ञान के साथ साथ अब छात्रों को आध्यात्म की भी शिक्षा दी जाए, इसके लिए उसी समय पूरे विश्व स्तर पर
10 नोबेल प्राइज विनर और साहित्य नोबेल प्राइज विनर को बुलाकर अपने वहां पर और एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की और उसकी शुरुआत में उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे एक वैज्ञानिक को हमारे पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पर्सन ने भ्रमित किया तो वो तो समझदार था इसलिए उसने अपना संबंध तोड़ लिया, परंतु हमारी जो बोली बाली जनता है उनके साथ भी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इसी तरह से उनको भ्रमित कर रही है। आपने कॉन्स्क्रिप्शन नाम सुना होगा सर, कॉन्स्क्रिप्शन। ये कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है कि सेना में भर्ती करने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं और उनका माइंड वॉश कर उनमें देशभक्ति के बीज बोए जाते हैं। एक्चुअल में वो देशभक्ति के बीज नहीं होते, वो उनको विवेक शून्य करने के लिए किए जाते हैं। तो आइंस्टीन ने और लियो टॉल्स्टॉय ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक व्यक्ति जब सेना में जाता है तो वो इतना विवेक शून्य हो जाता है कि सामने वाले से जिसको उसने आज तक देखा ही नहीं, जिसके साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है, जिसके साथ न उसका मित्रता का संबंध है न शत्रुता का संबंध है, वो अपनी पिस्तौल उठाकर उसको गोली मार देता है। अभी बॉर्डर पे क्या हो रहा है, हमारा देश का सैनिक हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे अमेरिका का हो कहीं का भी हो, क्या हो रहा है, उसको इतना विवेक शून्य कर दिया जाता है कि बिना किसी विरोध के बिना किसी द्वेषता के। आज अगर मैं बूंदी में रह रहा हूं और यहाँ पे बिना किसी द्वेषता के मैं किसी की तरफ क्यों करूंगा, परंतु कॉन्स्क्रिप्शन एक ऐसी चीज है कि उसको इतना विवेक शून्य कर दिया जाता है कि वो सामने वाले को गोली मार देता है। ये हुआ उसको भ्रमित करना। एक मोटी बात और बताता हूं मैं आपको कि 2000 में जब अमेरिका के ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और उसके ऊपर के दो माले आतंकवादियों ने उड़ा दिए थे तो अमेरिका बहुत चौकन्ना हुआ आतंकवादी गतिविधियों से। उसी समय 2003-04 या 05 में स्विट्जरलैंड में भी चुनाव हुए तो स्विट्जरलैंड में ये बात आई कि अमेरिका जैसे देश पर आतंकवादी हमला हो सकता है तो हमें भी स्विट्जरलैंड में भी हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाना चाहिए, हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाना चाहिए, और वहां इसी नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी का उद्भव हुआ कि 2005 में जब वहां चुनाव हुआ तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो डिफेंस बजट को बढ़ाने की बात कर रही थी उस पार्टी की वहां जमानत जब्त हो गई और उसके बाद से पुनः वहां पे जो डिफेंस बजट है मुश्किल से 0.1 या 2% है अपने टोटल बजट का, और अपने इंडिया में हमारे टोटल बजट का 28% ये डिफेंस सर्विसेज में जाता है। तो लोकतंत्र को समझने के लिए एक तो चुनावी प्रक्रिया और एक डिफेंस, डिफेंस मतलब जब भी चुनाव कोई आएगा पड़ोसियों से झगड़े की बात आएगी और इस तरह की बात करके हम हमारे जो जनसाधारण है उनके मस्तिष्क को भ्रमित करते हैं, ये रुकना चाहिए। जी आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।